आप राजीव जी, एक जो बात बीजेपी वाले उपचुनाव में तारीखें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और चुनाव आयोग पहले ही सारे सारा जो छुट्टियों का शेड्यूल है क्या है त्योहार, और इतना बड़ा त्योहार, महत्वपूर्ण जो त्योहार होते हैं उनका संज्ञान वो लेकर ही करता है। लेकिन जैसा विपक्ष के नेता ये लगातार आरोप लगा रहे हैं, और झारखंड के नेताओं ने भी लगाया, महाराष्ट्र के नेताओं ने भी, कि चुनाव आयोग बीजेपी के नेताओं से पूछकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, शेड्यूल जारी करता है, अपनी प्लानिंग वो पहले से बता देता है, इस तरह के आरोप लगाए। तो मुझे ये लग रहा है कि अब जैसे हरियाणा में चुनाव टाला गया, वहां भी हरियाणा के जो लोकल त्योहार हैं उनका आप संज्ञान तो रहा ही होगा, उसके संज्ञान में बात नहीं, लेकिन टाला। और उत्तर प्रदेश में भी अब मांग हो रही है, टलता है नहीं टलता है देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर टल ही जाता है तो जो आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लग रहे हैं कि बीजेपी के लोगों से कंसल्ट करके सारी चीजें तय होती हैं, तो चुनाव आयोग ये करता दिख भी रहा है और चाहता है कि दूसरे लोग भी उस चीज को देखें, यानी वो दिखाना भी चाहता है कि हाँ हम बीजेपी के हिसाब से ही तारीखें तय करते हैं, और नहीं हो पाती है तो उसको हम बदल देते हैं उनके हिसाब से जो उनकी चाहत होती है, तो ये चीज वो दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अब ये 4 दिन 5 दिन अगर वो टाल लेते हैं चुनाव, तो उससे कौन सा मोमेंटम बन जाएगा चुनाव में? इतने दिन बाद तो वैसे ही हो रहे हैं चुनाव, लगभग एक आध महीने और बीता तो 6 महीने हो ही जाते, यानी जब मजबूरी है तभी कराए जा रहे हैं, उसके पहले पूरा टाइम दिया गया है कि आप जितनी तैयारी करनी हो कर लीजिए, और उसमें भी एक सीट पर चुनाव नहीं ही कराए जा रहे हैं, मिल्कीपुर, जो सबसे बड़ा मैसेज देने वाली थी, क्योंकि फैजाबाद की सीट जब जीते हैं, जहां अयोध्या शहर जहां पे आता है, अयोध्या कस्बा और अयोध्या जिला, वही की मिल्कीपुर सीट भी है, तो इसने एक पूरा लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हुई वो फैजाबाद है, उसी में अब मिल्कीपुर आ रही है। अब कहीं दुविधा ये है कि कहीं अगर उसको भी हार गए, चूंकि वो समाजवादी पार्टी के पास ही थी, जो अवधेश प्रसाद जो जीत कर अब सांसद बने हैं वो मिल्कीपुर के ही विधायक हैं, वो थे वहीं से, तो समा भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर तो है ही, तो अब उसमें एक बहाना लगाकर चुनाव रोक दिया गया कि उस पे एक याचिका लगी हुई है उस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक चीज आप और होंगे कि लगातार जिस दिन रिजल्ट आए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, उसके अगले दिन संयोगवश वो समाजवादी पार्टी की 6 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इस बात की जानकारी पार्टी ने पहले से ही दे रखी थी कि वो नवरात्र में अपनी सीट, वो अपनी लिस्ट जारी करेंगे, उसमें भी 10 सीट है लेकिन 4 छोड़ रखी थी, यानी गुंजाइश थी कि गठबंधन के सहयोगियों को सीट देंगे, और अब 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी भी गई है, खैर की अलीगढ़ में और गाजियाबाद की। लेकिन उस दिन भी ये सोशल मीडिया ही नहीं, जिसको जो तमाम चैनलों की जिनका आप जिक्र कर रहे थे, लगातार ये खबरें उस पर डिस्कशन की, टूट गया गठबंधन, इंडिया गठबंधन फ्लॉप हो गया, इंडिया गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में, ये वो सारी चीजें मध्य प्रदेश और साथ उन जगहों से जोड़ने लगे। ये अलग बात है कि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार गठबंधन को लेकर एक मजबूती के साथ उसको दिखा रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर जाना हो, चाहे महाराष्ट्र में बात करनी हो, या फिर लोकसभा चुनाव में, सबने देखा। और दूसरी ओर ये कोई लोग कह रहे हैं कि फूलपुर मांग रही है और मिर्जापुर की मझवा सीट मांग रही है, कई सीटें कांग्रेस की, गठबंधन में चुनाव उनको लड़ना है, मांगेंगी वो सही बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जान रही है कि अगर वो 10 में 5 मांगेगी तो 5 सपा तो देगी नहीं, तो वो भी उसी हिसाब से सीटें मांगेगी, और वास्तव में उनकी दावेदारी भी मुख्य रूप से इन्हीं 2 सीटों पर थी, खैर में और ये गाजियाबाद में। हाँ, फूलपुर को लेकर ये जरूर था कि वो एक वहां पर चाह रही थी कि उसको मिले, लेकिन फूलपुर में दिक्कत ये थी, और ये पहले से ही तय था कि समाजवादी पार्टी नहीं दे पाएगी, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट जिनको टिकट दिया गया है वो महज 2000 या 2200 वोटों से हारे थे, तो ऐसे कैंडिडेट को दरकिनार कर उनको देंगे नहीं जहां, और इस तरह से फूलपुर में कोई कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा संगठन तैयार हो गया, वैसा भी नहीं, इलाहाबाद की सीट वो भले जीते। तो कहने का मतलब यह है कि इस चीज को जिसमें कोई दरार नहीं है, और ना तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है, ना ही ऑफ द रिकॉर्ड किसी ने कुछ कहा है, लेकिन इसको ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल बिखर गया है, जबकि स्पष्ट तौर पर ये सीटों का बंटवारा हुआ। और दूसरी बात,
एनडीए गठबंधन में जिस तरह की खींचतान महाराष्ट्र में चल रही है, उससे ज्यादा अभी उपचुनाव के लिए इन एनडीए गठबंधन में चल रही है। निषाद पार्टी वहां पर कम से कम 2 सीटों पे बिल्कुल अड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव में तो वो इतना ज्यादा दबाव नहीं बना पाई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक तरह से एक पूरा जो मोमेंटम बना था 400 पार वाला, तो उस 400 पार के प्रेशर में वो ज्यादा नहीं आ पाई। लेकिन अब हारने के बाद जब उत्तर प्रदेश में ये स्थिति हुई है एनडीए गठबंधन की, तो वो भी पूरा दबाव बना रही है कि कम से कम उसको 2 सीटें चाहिए, जिसमें वो कटेरी की सीट चाह रही है और मझवा की सीट, क्योंकि मझवा पे तो उसका अपना कैंडिडेट ही था। आरएलडी को आपको देनी ही पड़ रही है, और उसके अलावा जो ये भी कहा जा रहा है कि एकाध सीट पर, चाहे वो फूलपुर हो या कोई और सीट हो, जिस पर अपना दल एसपी अपनी दावेदारी पेश कर रही है और लगी हुई है कि उसको भी ये सीट मिले। तो एनडीए के घटक दलों केवल यही चुनाव को टालने की यही एक वजह नहीं है कि वो त्योहार पड़ रहे हैं क्या पड़ रहे हैं, यहाँ पर गठबंधन के घटक दलों के भीतर खींचतान भी चल रही है। तो ये हो रहा है कि कम से कम 4 दिन 5 दिन और टल जाएंगे तो कुछ और मौका मिल जाएगा। तो ये इन सारी चीजों के बीच बहुत दिलचस्प उपचुनाव भले ही है, लेकिन ये भी बड़े दिलचस्प होने वाले हैं कि पहले तो गठबंधन के घटक दलों के बीच में सीटों का बंटवारा हो जाए और उसके बाद फिर कितना एक दूसरे से मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है, तो इंडिया गठबंधन ये लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उसको गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ने का फायदा दिखाया, वो उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वो गठबंधन को लेकर बहुत एक क्लियर स्टैंड रखे हुए हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, और जो चीजें होंगी वो एक गठबंधन की बैठक में होंगी इस चीज को, और जो यहाँ पर उपचुनाव के लिए हुआ भी है वो बिल्कुल साफ तौर पर ये हुआ है कि जिससे लग रहा है कि जितनी दोनों पार्टियों के बीच में एक बेहतर समाधान का रास्ता जो हो सकता था उसके तहत ये हुआ है। तो यहाँ इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति के साथ चुनाव लड़ रहा है और दिलचस्प चुनाव होने वाले हैं। एक और बात है कि उपचुनाव ऐसे अक्सर ये होता है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है कि सत्तारूढ़ पार्टी के फेवर में ही उसके रिजल्ट ज्यादातर आते हैं। हालांकि इसमें जिन सीटों पर है, इसमें ये ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, 5 सीटें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मामले में इसका ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ वो सत्तारूढ़ जब रहती है तो उपचुनाव के नतीजे अक्सर उसके अगेंस्ट में आते, तो एक ये दबाव भी उसके ऊपर है, उसको कैसे मैनेज कर रही है। कहा जा रहा है कि रामपुर में जो उपचुनाव लड़ा गया था उस पैटर्न पर लड़ने की तैयारी है, कैसे है तो वो देखने वाली बात होगी। अभी तो जी टिकट भी बंटने हैं, टिकट कैसे बंटवारा होता है, लेकिन उपचुनाव है, बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की ही तरह से यहाँ जो चुनाव के नतीजे होंगे उसका दिखाई पड़ेगा, असर दिखाई पड़ेगा या कुछ अलग दिखाई पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है।